हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे शंकर आईएएस की इन्वायरमेंट वाली बुक और हम चैप्टर 3 पढ़ रहे थे, जिसमें एक पार्ट में हमने डिफरेंट फॉरेस्ट टाइप्स देख लिया था। अब हम पढ़ेंगे डीफॉरेस्टेशन। डीफॉरेस्टेशन के क्या कारण हैं? अधिकतर डीफॉरेस्टेशन तो ह्यूमन की वजह से ही है, जिनमें ह्यूमन का जो कंट्रीब्यूशन है कि वो डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करना चाहता है, वो डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट्स इस्टेब्लिश करना चाहता है, वो रोड्स बनाना चाहता है या अन्य टाइप के डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, एग्रीकल्चर हो सकता है उसकी वजह से, और या वो जो ओवर ग्रेजिंग करा रहा है डिफरेंट अपने चरवाहे के रूप में, डिफरेंट अपने एनिमल्स की, यानी कि उनको चरा रहा है, चराने से डिफरेंट टाइप के नुकसान होते हैं बायोडाइवर्सिटी के, जो हम आगे अभी देखेंगे, उनकी वजह से भी डिफॉरेस्टेशन होता है। ठीक, काजेस जो हैं यहाँ पे दिए हुए हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहले शिफ्टिंग कल्टिवेशन, इसमें क्या होता है कि लोग फॉरेस्ट के एक एरिया को पहले क्लियर करते हैं और जो वेजिटेशन होता है उसको जला देते हैं, उसके बाद जो ऐश रहती है उसको वहाँ पे सॉइल में मिला देते हैं। तो जो ऐश होती है पौधों की, उसमें न्यूट्रिएंट्स होते होंगे, जाहिर सी बात है, अधिकतर मिनरल्स, और वो सॉइल में मिल जाते हैं, तो सॉइल जो है फर्टाइल हो जाती है, तो उसमें वो ग्रो कराते हैं, करीब 2 से 3 साल के लिए ग्रो कराते हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा यील्ड मिलती नहीं, क्योंकि सॉइल उतनी भी ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती, ऑर्गेनिक कंटेंट उतना भी ज़्यादा इसमें नहीं होता है। एक बार आग लगाने के बाद जो सॉइल का माइक्रोफ्लोरा, डिफरेंट टाइप के अच्छे जो बैक्टीरिया फंजाई वगैरह होते हैं, वो भी मर जाते हैं, जिसकी वजह से यील्ड उतनी अच्छी नहीं मिलती है। ओके, उसके बाद ये जो खेती है बहुत ही एक तरीके से प्रिमिटिव स्टाइल है खेती, ये कोई मॉडर्न टेक्निक नहीं है, और इसको सिंपल टूल्स के थ्रू ही किया जाता है। ये एक बहुत बड़ा काज है डिफॉरेस्टेशन का इंडिया में। इसके बाद डिफरेंट टाइप के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो हैं, उनकी वजह से क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स लगाए जाते हैं, बड़े बड़े डैम्स या रिजर्वायर्स इस्टेब्लिश किए जाते हैं, रेलवे लाइन लगाना हो या कोई रोड ही बनवानी हो। आजकल आपने देखा है कई जो फॉरेस्ट जो कि पहले अभी तक प्रिजर्व थे, बहुत से टाइगर रिजर्व, उन सबों से बहुत से प्रोजेक्ट रोड्स रेलवेज गुजर रही हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट भी हो रही हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं और इस तरीके से फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं। उसके बाद फ्यूल रिक्वायरमेंट, जो जलाने की लकड़ी होती है उसके लिए भी फॉरेस्ट काटे जाते रहे। उसके अलावा सिर्फ फ्यूल के लिए नहीं, इवन जो इमारती लकड़ी होती है उसके लिए भी, बिल्डिंग बनाने के लिए भी जो लकड़ी चाहिए होती है उनके लिए भी, इवन पेपर, प्लाईवुड, फर्नीचर, मैचस्टिक, बॉक्सेस, क्रेट्स, पैकेजिंग केसेज, इन सब को बनाने के लिए होता है। उसके अलावा बहुत से रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज में लगते हैं, जैसे डिफरेंट टाइप की जो ड्रग्स दवाइयाँ, बहुत सी दवाइयाँ ड्रग्स से ऑब्टेन होती हैं, सेंट, परफ्यूम, रेजिन, गम, वैक्सेज, टर्पेंटाइन, जिसमें आप पेंट घोलते हैं उसका जो सॉल्वेंट होता है, लेटेक्स जिससे रबड़ बनता है, वही चीज़ है रबर, टैनिन एक टाइप का कंपाउंड होता है जो कि डाइज वगैरह में यूज होता है, एल्कलॉइड डिफरेंट टाइप की ड्रग्स के रूप में यूज होते हैं, बी वैक्स वगैरह, इन सब को निकालने से भी डिफॉरेस्टेशन हो रहे हैं बिल्कुल। उसके बाद आते हैं अदर काजेज हैं कुछ कुछ, जैसे कि बहुत ज़्यादा जो चरवाहे जो चराते हैं अपने जानवरों को जंगलों में या जंगल से रिलेटेड एरियाज में, उनके वजह से भी हो रहा है। आगे अभी थोड़ा बात आएगा और भी डिटेल में इसके बारे में, अभी देखते हैं। उसके अलावा जो एग्रीकल्चर के लिए ज़मीनें खाली की जा रही, माइनिंग की जा रही है फॉरेस्ट एरियाज में, अर्बनाइजेशन की वजह से भी लोग फॉरेस्ट एरियाज में क्या कर रहे हैं कि जाके अपने घर बना ले रहे हैं। आपने बहुत से इकोसेंसिटिव जोन में देखा होगा कि कैसे कोर्ट में केसेस चल रहे हैं कि उन जगहों को खाली किया जाए, वहाँ पे रिजॉर्ट्स बन गए, होटल्स बन गए, स्पा बन गए। इसके अलावा फ्लड्स, फायर, पेस्ट, डिफरेंट टाइप के जो डिजीज़ काज करने वाले हैं, इनके वजह से, बीमारियों की वजह से, अन्य टाइप के डिफेंस या कम्युनिकेशन, कभी कभी आर्मी को अपना अड्डा बनाना होता है जंगल के बीच में, या कम्युनिकेशन लाइन बिछानी होती है, इन सबों की वजह से भी डिफॉरेस्टेशन होता है। अब क्या क्या नुकसान है? पहला तो सबसे बड़ा नुकसान है कि फॉरेस्ट अपने आप में एक रिसोर्स है, फॉरेस्ट ख़त्म होगा तो बहुत से टाइप की वाइल्ड लाइफ, बहुत से इकोलॉजिकल बैलेंस, ये सारी चीज़ें बिगड़ जाएंगी। फॉरेस्ट मॉइस्चर का रिसाइकिल करते हैं, वो क्या करते हैं कि सॉइल में जो मॉइस्चर होता है, रेन से कोई मॉइस्चर आ जाएगा सॉइल में, उसके बाद उस मॉइस्चर को वो अपने में पानी को एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट, उसके बाद उसको ट्रांसपीरेशन, एक वाष्पोत्सर्जन एक प्रक्रिया होती है जिसके थ्रू वो अपने बॉडी से, अपने लीफ के थ्रू निकाल देते हैं, और वो भाप जो है इन्वायरमेंट में चली जाती है, तो फर्दर वो क्लाउड फॉर्मेशन में मदद करती है और उससे फिर रेन होती है। तो एक तरीके से लोकल लेवल पे मॉइस्चर साइकिल, आप कह सकते हैं वाटर साइकिल, लोकल लेवल पे प्लांट्स और फॉरेस्ट्स क्रिएट करते हैं, इसका भी लॉस होता है। अगर किसी एरिया में बहुत ज़्यादा प्लांट है और वहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है, तो एक हद से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने नहीं पाता, एक हद तक टेम्परेचर बढ़ता है तो तुरंत बारिश हो जाती है, ये प्लांट्स की वजह से ही संभव हो पाता है, लेकिन प्लांट कट रहे हैं तो ये बैलेंस ख़त्म हो रहा है। और जब डिफॉरेस्टेशन हो जाता है तो वहाँ का ग्राउंड लेवल
वाटर का गिर जाता है, जिसको वाटर टेबल कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है, देखिए प्लांट है, प्लांट ने क्या किया है, अपनी रूट अंदर तक डाल रखी है, और इनमें जो है रूट जो है एक तरीके से एक प्रेशर क्रिएट करती हैं, डिफरेंट टाइप के कैपिलरी एक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज, कोवेलेंट फोर्सेज, अन्य टाइप की भी जो फोर्सेज हैं उनके थ्रू ऐसा फोर्स क्रिएट करती हैं कि वाटर मॉलिक्यूल को ऊपर साइफनिंग, एक तरीके कहते हैं सीक के थ्रू, पानी जो ऊपर चढ़ता है वो प्रक्रिया के थ्रू वो ऊपर चढ़ाती हैं। तो वाटर टेबल जो है एक लेवल तक मेंटेन रहता है पौधों के होने की वजह से, लेकिन जब पौधे वहाँ से हट जाते हैं तो ये वाला प्रोसेस नहीं होता है, तो वाटर टेबल वहाँ गिर जाता है। अब एक और रीयूज साइकिल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आमतौर पे जब भी प्लांट जो हैं वो कहीं लगे होते हैं तो वो क्या करते हैं, जब बारिश का पानी आता है तो उसको सॉइल में जाते ही सरफेस से वो एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं दो तरीके से। देखिए अगर कोई प्लांट लगा हुआ है, ये मान लीजिए सॉइल है और यहाँ पे प्लांट है, तो प्लांट की लीफ वगैरह गिरी होंगी जिसके वजह से सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर मिक्स होगा। अगर पानी बारिश का गिरेगा तो वो तुरंत बह नहीं जाएगा, वो इस मैटर के साथ मिलके सॉल्यूशन बना लेगा। आपने देखा होगा सूखी पत्तियाँ कैसे पानी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, उसी तरीके से डिफरेंट प्लांट के पार्ट भी पानी को या तो धीरे धीरे गिरने देते हैं या बचा के रखते हैं अपने पास और अपने में एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं उनकी स्टेम वगैरह। तो इस तरीके से पानी जो है वो ऊपर से गिरते ही तुरंत बह नहीं जाता। अगर यहाँ पे प्लांट नहीं होता तो रैपिड रन ऑफ हो जाता है, लेकिन प्लांट की वजह से पानी तुरंत नहीं बहता है। तो तुरंत अगर बह जाएगा तो भी पानी ग्राउंड लेवल में नहीं जाएगा, तो इस वजह से पानी में को अगर ग्राउंड लेवल में पहुंचाना है तो वहाँ पे प्लांट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। माइनिंग जो हम कर रहे हैं ह्यूमंस, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि फॉरेस्ट को काटे जा रहे हैं। उसके अलावा हम जो माइनिंग करते हैं एक जो टनल बना के भी करते हैं, उससे ऊपर के प्लांट बिल्कुल प्रभावित होते हैं। हम माइनिंग करते हैं तो हमें माइनिंग में पिलर्स लगाने होते हैं लकड़ियों के, उसके लिए भी पेड़ काटे जाते हैं। तो माइनिंग तरह तरह के अन्य, इवन माइनिंग क्या करती है कई बार टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल, डिफरेंट टाइप के सॉल्वेंट्स का यूज करती है माइनिंग, डिफरेंट टाइप के उससे केमिकल्स यूज करती है जो कि आसपास के इन्वायरमेंट में बह जाते हैं, लीच हो जाते हैं, जो कि उस सॉइल को बंजर बना देते हैं। अब आता है नेक्स्ट इकोसिस्टम, वो है ग्रासलैंड टाइप इकोसिस्टम। ग्रासलैंड जो कि इसका मतलब ये जहाँ पे घासें पाई जाती होंगी। हमने देखा था कि जहाँ पे फॉरेस्ट पाए जा रहे थे वहाँ पे बारिश हो रही थी, ठीक ठाक अमाउंट में बारिश हो रही थी, लेकिन अगर कहीं बारिश सिर्फ 25 से 75 सेंटीमीटर पर ईयर ही हो तो वहाँ पे ग्रासलैंड इकोसिस्टम होता है। 75 के ऊपर तो आमतौर पे खुद फॉरेस्ट एग्जिस्ट करने लगते हैं, हमने देखा था, लेकिन 25 से 75 के बीच वाले जोन में जो है ग्रासलैंड इकोसिस्टम मेनली पाए जाते हैं। ओके, अब ग्रासलैंड जो है वो मेनली जो हैं वो टेम्परेट क्लाइमेट्स में ही पाए जाते हैं, लेकिन इंडिया में भी कई जगह पाए जाते हैं, मोस्टली वो हाई हिमालयाज एरिया में पाए जाते हैं, लेकिन उसके अलावा पूरे कंट्री में भी डिफरेंट टाइप के ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं। और जैसे पूरे वर्ल्ड में दो तरीके से टर्म इस्तेमाल होता है, स्टेपीज एंड सवाना, ग्रासलैंड के लिए ये डिफरेंट ये टाइप्स हैं ग्रासलैंड की। ये दोनों टाइप जो हैं इंडिया में पाई जाती है, और ये जानना ज़रूरी है ये दिखते कैसे। देखिए ये है स्टेपीज। ओके, स्टेपीज ये है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिर्फ ग्रासेज हैं, पूरा मैदान है लेकिन इसमें ग्रासेज हैं। और ये हो गया सवाना। सवाना में क्या है कि ग्रासेज तो हैं लेकिन उसके साथ यहाँ पे ट्रीज़ भी हैं। अब गेस कीजिए कहाँ पे ज़्यादा बारिश होती होगी। जाहिर सी बात है जहाँ पे ट्रीज़ भी हैं वहीं ज़्यादा बारिश होती होगी, क्योंकि ट्रीज जो हैं ज़्यादा वाटर रिक्वायर करते हैं। तो इस तरीके से अभी हम देखते हैं क्या है इंडिया में। यहाँ पे लिखा है कि स्टेपीज फॉर्मेशन ऑक्यूपाई लार्ज एरियाज ऑफ सैंडी एंड सलाइन सॉइल इन वेस्टर्न राजस्थान। ये जो स्टेपीज हैं वो सैंडी एंड सलाइन सॉइल में पाए जाते हैं, और राजस्थान जो है वेस्टर्न राजस्थान इसका बढ़िया प्राइम एग्जांपल है। यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो सेमी एरिड है। एरिड का मतलब होता है ड्राई, और एरिड सॉइल के लिए जब यूज करते हैं तो उसका मतलब हो जाता है बैरन लैंड। तो यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है उसमें बहुत कम बारिश होती है, रेनफॉल जो है 200 मिलीमीटर से भी कम होती है। अब सुनने में तो 200 मिलीमीटर ज़्यादा भी लग सकता है, कम भी लग सकता है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए रेन के हिसाब से 200 मिलीमीटर बहुत कम होता है। जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि करीब 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है। ये तो सिर्फ 20 सेंटीमीटर ही हुआ, तो काफ़ी कम बारिश है। और इन एरियाज में जहाँ पे स्टेपीज होते हैं उन एरियाज में आमतौर पर 10 से 11 मंथ का ड्राई सीजन होता है। ओके, और कभी कभार ही रेनफॉल होती है यहाँ पे। और सॉइल जो है अधिकतर समय, चूँकि उसमें कोई
रेनफॉल होती नहीं, तो कोई प्लांट कोई ग्रास अधिकतर समय तो पाई ही नहीं जाती है, तो ये अधिकतर समय एक्सपोज्ड रहती है, सैंड ड्यून वगैरह का फॉर्मेशन भी हो जाता है। और जब बीच में बारिश होती है एक आध महीने के लिए, तो उस दौरान अचानक से ढेर सारी घासें आ जाती हैं। ये यहाँ का बहुत ही अच्छा करेक्टरिस्टिक है। और नेक्स्ट आता है कि, और देखिए यहाँ लिखा है एनुअल ग्रास स्पीसीज पाई जाती है, यानी एक ऐसी ग्रास जो है मेनली, या तो वो क्या करेगी कि साल में एक बार ही ग्रीन होगी, उसके बाद वो पूरे साल ब्राउन पड़ी रहेगी, या हो सकता है कि वो सुषुप्तावस्था में थोड़े बहुत उसके बीज हमेशा ज़मीन में रहते हैं, लेकिन साल में सिर्फ एक बार जब बारिश होती है तभी अचानक से वो ग्रो करने लगती है बड़े पैमाने पर। और सेंट्रल और ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान में क्या होता है, वहाँ पे 500 mm पर ईयर से के करीब में बारिश होती है। ओके, यहाँ पे जो ड्राई सीजन है वो 6 to 8 months का होता है, और यहाँ पे सवाना डेवलप होता है, सवाना जिसमें ट्रीज़ भी थे ग्रासेस के साथ। तो यहाँ पे जो ट्रीज़ हैं वो क्या करते हैं, ट्रीज़ बीच में शेड प्रोवाइड करते हैं थोड़ा ग्रासेस को, कि उनको थोड़ा कोल्ड इन्वायरमेंट मिल जाता है, और उस एरिया से, शेड वाले एरिया से पानी बहुत तेज़ी से इवेपोरेट नहीं होता, तो वहाँ पे घासों को ग्रो करने का मौका मिल गया था। अब यहाँ पर देखिए, जिन एरियाज में ट्रीज हैं वहीं पे ज़्यादा घास हैं, जहाँ पे बीच में गैप हो जा रहा है वहाँ पे उतनी घासें नहीं हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे ट्रीज जो हैं वो फर्दर एक तरीके बूस्ट करते हैं ग्रासेस की ग्रोथ को। ओके, यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जांपल है कि जो ईस्टर्न और सेंट्रल राजस्थान है वहाँ पे खेतरी नाम के प्लांट बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं ग्रासेस के साथ। खेतरी एक टाइप का बबूल जैसा ही दिखता है। अब टाइप ऑफ ग्रासलैंड्स, इंडिया में क्लाइमेटिक कंडीशंस के अनुसार 6 टाइप के ग्रासलैंड डिफाइन किए गए हैं साइंटिस्ट लोग के द्वारा, लेकिन इस बुक में मेनली 4 ही दिया है, क्योंकि मेनली 4 ही है, उसके अलावा जो बाकी 2 हैं उतने इंपॉर्टेंट है नहीं, तो हमें भी इन्हीं 4 पे फोकस करना चाहिए। एक तो सेमी एरिड, सेमी एरिड मतलब थोड़ा बहुत बारिश होती होगी ना के बराबर, गुजरात राजस्थान वेस्टर्न उत्तर प्रदेश दिल्ली एंड पंजाब पाए जाते हैं। यहाँ पे जो हिल टाइप के एरियाज होते हैं, सैंड ड्यून टाइप के एरियाज होते हैं, एकदम से लगभग लगभग बंजर, कहीं कहीं बीच में पैचेज होंगे सॉइल की ऐसे। फिर ड्राई सब ह्यूमिड जोन, यानी कि एक सूखा होगा और बहुत हल्की उमस होगी, हल्की हल्की उमस होगी। तो ये कहाँ होता है, पेनिसुलर इंडिया में नीलगिरी को छोड़ के, आप मैप में भी देख सकते हैं ये सारे एरियाज़ को। नेक्स्ट है मॉइस्ट सब ह्यूमिड जोन, यानी यहाँ जो एयर है वो मॉइस्ट रहती है। और यहाँ पे ये कौन सा एरिया है, गंगा एलिवल प्लेन इन नदर्न इंडिया, और टोपोग्राफी जो है वो लेवल, यानी कि लगभग लगभग प्लेन लैंड में होती है, गंगा लैंड तो है ही, लो लाइंग एंड इल ड्रेन्ड। इल ड्रेन्ड का ये मतलब हो गया जो नदियाँ वगैरह हैं वो पानी को अच्छे से सींच नहीं पाती हैं, थोड़ा हो सकता है कि जो ज़मीन है उतनी पोरस नहीं है इसलिए ऐसा होता है। नेक्स्ट है ह्यूमिड माउंटेन रीजन, माउंटेन और रीजन मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था क्या होता है, ऐसे पाए जाते हैं असम मणिपुर वेस्ट बंगाल उत्तर प्रदेश पंजाब हिमाचल प्रदेश कश्मीर जम्मू। ओके, तो इनमें होता है, और इन्हीं सारे इलाकों में शिफ्टिंग कल्टीवेशन और शीप ग्रेजिंग बहुत ज़्यादा है। और मैंने बताया भी था कि इन रीजन्स में जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं उनमें भी ग्रेजिंग की वजह से और शिफ्टिंग कल्टीवेशन की वजह से काफ़ी प्लांट खतरे में हैं, और अब तो यहाँ पे जो है वो ग्रास लैंड भी खतरे में है। तो एक तरीके से ये जो क्लासिफिकेशन ग्रास लैंड का है ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये बस पता होना चाहिए ग्रास लैंड इकोसिस्टम क्यों डेवलप होते हैं, कैसे डेवलप होते हैं। अब इनका इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस क्या है, ग्रास लैंड में क्या आता है, ग्रास आती है, ग्रास है तो इसका मतलब वो चरवाहे लोग उनको अपने एनिमल को चराने के लिए यूज किए जाते होंगे, तो इन एरियाज में कैटल बहुत ज़्यादा होते हैं, बफेलो टू सीप वगैरह। ओके, लाइव स्टॉक वेल्थ प्लेज ए क्रूशल रोल इन इंडियन लाइफ, इट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ फ्यूल ड्राट पावर न्यूट्रिशन एंड रॉ मटेरियल फॉर विलेज इंडस्ट्रीज, यानी कि जो एनिमल्स हैं पालतू वो फ्यूल, यानी कि जो उनके डंग वगैरह होते हैं उनको जला के उपले बनाए जाते हैं, जिससे जो कि फ्यूल के रूप में यूज होते हैं। ड्राट पावर यानी जब उनसे एनिमल से पावर का काम किया जाता है, यानी कि माल ढोया जाता है, या सूखे वगैरह के टाइम में, या कभी भी उनसे हम फिजिकल लेबर लेते हैं। फिर न्यूट्रिशन, वो हमें मिल्क वगैरह फूड डिफरेंट टाइप के मीट वगैरह प्रोवाइड करते हैं, अन्य टाइप के रॉ मटेरियल विलेज इंडस्ट्री को वो प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आता है कि नेक्स्ट आता है कि इम्पैक्ट ऑफ ग्रेजिंग, चराने से क्या हो रहा है एक्चुअल में सॉइल में। सॉइल में देखिए, सॉइल जो होती है जंगलों में उसमें जो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर समझ सकते हैं, ये सॉइल हो गई, सॉइल के ऊपर, सॉइल कैसी भी हो सकती है, सॉइल के ऊपर ये डार्क ब्राउन टू ब्लैक
लेयर होगी जिसमें ऑर्गेनिक कंटेंट बहुत ज़्यादा होगा, ऑर्गेनिक कंटेंट प्लस एक उसमें चीज़ होता है ह्यूमिक एसिड, आप इसको नाम याद रखिए। ह्यूमिक एसिड क्या होता है, जो कुछ अर्थवर्म वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं और ह्यूमिक एसिड प्रोवाइड करते हैं, जिससे सॉइल जो है वो स्लाइटली एसिडिक हो जाती है। स्लाइटली एसिडिक सॉइल फर्टाइल मानी जाती है, तो सॉइल की एसिडिटी इंपॉर्टेंट है और ह्यूमिक एसिड ये देता है एसिडिटी, तो इस तरीके से ये फर्टाइल लेयर हो जाती है ह्यूमिक एसिड। अब इसके ऊपर क्या होता है, मल्च लेयर होती है। मल्च लेयर इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, मल्च लेयर में क्या होता है, जो लीफ हो गई या कोई भी प्लांट के जो पार्ट्स वगैरह हो गए या एनिमल के जो भी रिमेन्स हैं वो अभी पड़े रहते हैं, वो अभी डिग्रेड हो रहे होते हैं, लेकिन वो इस ह्यूमस लेयर में अभी ट्रांसफॉर्म नहीं हुए होते। यानी कि ये जो मल्च लेयर है वो क्या होगी, सड़ेगी और ये बनाएगी ह्यूमस वाली लेयर, और मल्च में अभी फुल्ली डिग्रेडेशन नहीं हुआ होता है। अब ग्रेजिंग क्या करती है, जब एनिमल ग्रेज करते हैं तो चलते फिरते हैं, उससे मल्च जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जब मल्च जब डिस्टर्ब हो जाएगा, तो मल्च अगर डिस्टर्ब हो गया, मल्च अपने मॉइस्चर कंटेन करता है, ओके जैसे मैंने बताया था ना अभी कि जो सड़ी गली लीव्स होती हैं वो कैसे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके रखती है, तो अगर मल्च हट गया तो मॉइस्चर लॉस हो गया, तो सॉइल जो है ड्राई हो जाएगी। अगर मल्च हट गया तो फिर ऑर्गेनिक लेयर को डिस्ट्रॉय होने में बहुत कम समय लगता है। फिर क्या होता है कि जब ऑर्गेनिक लेयर भी हट गई तो माइक्रो ऑर्गेनिम जो सॉइल के हैं वो तो ख़त्म हो जाएंगे। अब सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिम का अमाउंट कम हो जाएगा, तो सॉइल जो है वो बंजर होने की ओर बढ़ जाएगी, और वहाँ पे अब किस टाइप के प्लांट ग्रो करने लगेंगे, जो कि बंजर ज़मीन में, यानी कैक्टस वगैरह, जो ज़ीरोफिटिक प्लांट, ज़ीरोफिटिक का ही मतलब होता है जो रेगिस्तानी पौधे, ये रेगिस्तानी पौधे आके इन एरियाज में ग्रो करने लगेंगे। अब रेगिस्तानी पौधे यानी कैक्टस वगैरह देखें आप, तो उनकी लाइफ एक तो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत स्लो ग्रो करते हैं, और ऐसा भी नहीं उनमें लीफ वगैरह होती हैं, जैसे आम प्लांट में लीफ होती है। अगर लीफ होगी तो क्या होगा कि लीफ गिरेगी और फिर ऑर्गेनिक कंटेंट सॉइल को प्रोवाइड करेगी और वो न्यूट्रिशन की साइकिल चलेगी। लेकिन एक बार ज़ीरोफिटिक प्लांट आ गए तो न्यूट्रिशन साइकिल चलती नहीं, क्योंकि लीफ वगैरह होती नहीं और ख़ुद भी बहुत स्लो ग्रो करते हैं और ख़ुद भी वो जल्दी मरते भी नहीं हैं, तो एक तरीके से वो जो न्यूट्रिएंट साइकिल है ना वो ब्रेक हो जाती है ज़ीरोफिटिक प्लांट के आने से। तो इससे अगर ज़ीरोफिटिक प्लांट आ गए तो वो एक हेल्दी इकोसिस्टम नहीं रह पाएगा। फिर उसके बाद वहाँ पे बरोइंग एनिमल, वो एनिमल जो कि बिल बना के रहते हैं, छेद करके ज़मीन में रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, अन्य टाइप के प्लांट की रूट वगैरह काट देते हैं, तो उनकी भी ग्रोथ नहीं हो पाती है। अब यहाँ पे लिखा है कि जब ह्यूमस का जो कवर होता है वो लॉस हो जाता है तो क्या होता है, देखिए मैंने अभी बताया था, अगर ऊपर ये सॉइल है और उसमें ह्यूमस लेयर है और ये मल्च लेयर है, ऊपर से पानी गिरता है तो पानी इसमें एब्जॉर्ब हो जाता है इन लेयर्स में, और अगर एक बार एब्जॉर्ब हो जाएगा तो पानी तुरंत बह नहीं पाएगा, तो धीरे 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 सॉइल में पानी अंदर जाएगा और नीचे नीचे चला जाएगा एक तरीके से, तो सॉइल में ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता जाएगा इन ऑर्गेनिक और मल्च लेयर की वजह से। लेकिन ये नहीं होंगी तो पानी आएगा तुरंत बह जाएगा, तो एक तरीके से वाटर रन ऑफ हो जाएगा, तो ये फर्दर जो भी सॉइल है उनको भी बहाता जाएगा बहाता जाएगा, तो इससे जो सॉइल है उसका लॉस होता जाएगा हमेशा। और अगर यहाँ पे ग्रेजिंग की वजह से ये सारे लेयर्स जब ख़त्म हो जाएंगे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ख़त्म हो जाएंगे, तो ब्रेक डाउन ऑफ बायो केमिकल साइकिल्स ऑफ वाटर कार्बन एंड नाइट्रोजन ये हो जाएगा, और मैंने बताया विंड एंड वाटर इरोजन भी बढ़ जाएगा और माइक्रो क्लाइमेट वगैरह एकदम उस एरिया हो जाएगा। तो इस तरीके से जो जानवरों को बहुत ज़्यादा चराने से ये सारे नुकसान, आपने इवन ये भी देखा होगा किसी ग्रास लैंड में लोग जहाँ बार बार जाते हैं या कोई जानवर ही जाता है उस एरिया में ग्रास ही नहीं ग्रो करती हैं, तो आप समझ सकते हैं अगर बड़े एरिया में उनको चराया जाएगा तो क्या होगा। अब फायर का रोल क्या है, फायर का गुड और बैड दोनों रोल होता है। बैड रोल तो आप जानते ही हैं कि बहुत सारे एनिमल लाइफ का नाश हो जाता है, अगर एक बार आग लग जाती है तो प्रॉपर्टी का नाश हो जाता है, जंगल उंगल ख़त्म होते हैं। लेकिन उसके अलावा ग्रास लैंड में क्या है, तो ग्रास लैंड में एक्चुअल में ग्रास लैंड के मेंटेनेंस में फायर का बहुत बढ़िया रोल है। फायर क्या करती है, जब मॉइस्ट कंडीशन होती है, ग्रासेज मॉइस्ट होती हैं लेकिन पेड़ उतने मॉइस्ट नहीं होते उन कंडीशंस में, तो क्या होता है अगर आग लग गई तो जो बड़े वाले पेड़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। बड़े पेड़ जो हैं अन्य प्लांट का कई बार स्पेस भी ले रहे होते हैं और कई बार न्यूट्रिशन भी ले रहे हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे तो उनका जो ऐश है वो सॉइल में मिल जाएगा, तो सॉइल फिर फर्टाइल हो जाएगी, तो ग्रासेस को ग्रो करने में मदद होगी, ये होगा। दूसरा अगर ड्राई सीजन है तो उस समय ड्राई सीजन में अभी मैंने देखा, हमने देखा कि ड्राई सीजन में ज़ीरोफिटिक जो प्लांट थे वो भी ग्रो करने लग रहे हैं, डेजर्ट वाले प्लांट, तो
ड्राई सीजन में आग लग जाएगी तो ये डेजर्ट वाले प्लांट भी ख़त्म हो जाएंगे, तो फायर का ग्रासलैंड में थोड़ा रोल है। अच्छा, और जब एक बार आग लग जाती है तो उसके बाद क्या होता है, घासों की जो बीज होती हैं वो सुरक्षित बच जाती हैं सॉइल में, और जो ऊपर ग्रो की घासें अन्य टाइप के प्लांट हैं वो राख बन जाते हैं। राख जब ज़मीन में मिल जाती है तो न्यूट्रिएंट ऐड हो जाता है सॉइल में, तो जो बीज बचे रह जाते हैं घासों के वो तेज़ी से ग्रो कर देते हैं। तो फोरेज का मतलब हो गया चरने के लिए जो घास होती है उनकी पैदावार बढ़ जाती है। नेक्स्ट है डिजर्ट इकोसिस्टम। ये कहाँ होता है? ये उन जगहों पे होता है जहाँ 25 सेंटीमीटर से भी कम एनुअल रेनफॉल होती है। किसी बुक में कभी कोई बनाएगा बुक तो हमेशा एक ही यूनिट यूज करे, जैसे 250 या तो mm लिखे पूरे बुक में या तो 25 सेंटीमीटर ही लिखे, तो सेंटीमीटर mm यूनिट चेंज नहीं करनी चाहिए, थोड़ा अनसाइंटिफिक लगता है। ओके, तो उन जगहों पे जहाँ पे 25 सेंटीमीटर से कम एनुअल रेनफॉल होती है वहाँ पे डिजर्ट इकोसिस्टम पाए जाते हैं। और ये हॉट रीजन में भी होते हैं जहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होती है, लेकिन रेनफॉल जो है वो हमेशा एक जैसी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती। कभी कभी बहुत ज़्यादा रेनफॉल होगी तो वाटर रन ऑफ हो जाएगा, यानी कि उस वाटर का यूज हो ही नहीं पाएगा, वो वाटर बह के उस जगह से चला जाएगा और बाकी समय बारिश ही नहीं हो रही है। लेकिन अगर हमेशा अच्छे से हर समय बारिश हो रही है तो अच्छे क्वालिटी के वहाँ पे फॉरेस्ट डेवलप हो सकते हैं। कुछ कारण हैं जिनके वजह से डिजर्ट इकोसिस्टम डेवलप होता है, तो लैक ऑफ रेन हो गया, बारिश नहीं होती है। कुछ जगह जो होती है हाई प्रेशर जोन होती है, तो क्लाउड उस एरिया में अट्रैक्ट नहीं होते, वहाँ पे जो भी मॉइस्चर एयर में क्रिएट होता है उस एरिया को छोड़ के उन जगहों पे चला जाता है जहाँ पे लो प्रेशर एरिया होता है, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। उसके बाद आता है रेन शैडो एरिया, जैसे राजस्थान का वेस्टर्न इलाका, इन सबों में क्या होता है, कोई ऐसे पहाड़ की श्रृंखला होती है माउंटेन रेंज, और ये अगर क्लाउड ऐसे जाते हैं तो टकरा के इधर मुड़ जाते हैं, तो ये शैडो जोन बन जाता है, तो यहाँ पे बारिश ही नहीं होगी, तो ये भी एक रीज़न है। अब हम देखते हैं कि इन जगहों पे कैसे प्लांट पाए जाते हैं। क्रियोसोट बुश कैक्टस टाइप के प्लांट पाए जाते हैं, और इन एरियाज में साल्ट डिपॉजिट्स भी होते हैं, क्योंकि यहाँ पे पानी कम होता है तो यहाँ की जो सॉइल होती है उनमें काफ़ी साल्ट हो जाते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि कुछ एरिया में पॉन्ड टाइप के स्ट्रक्चर बनते हैं, तो उन एरियाज में जैसे बारिश हुई और कोई गड्ढा इलाका है तो भर भर के पानी उस गड्ढे वाले इलाके में आ गया, तो अपने साथ आसपास इलाकों का भी ढेर सारा साल्ट लेकर आया होगा, तो लेकिन फिर गर्मी होगी तो सारा पानी उड़ जाएगा, वहाँ पे साल्ट बच जाएंगे, तो इन एरिया को साल्ट डिपॉजिट्स कहते हैं। यहाँ पे गीज वुड सीप वुड एंड साल्ट ग्रासेज पाई जाती हैं। हमने देखा कि इन एरियाज में जो है डेजर्ट बनाने के लिए सबसे लिमिटिंग फैक्टर टेम्परेचर नहीं है, अभी आगे हम देखेंगे कोल्ड डेजर्ट भी होते हैं, इसका मतलब है टेम्परेचर की वजह से ही ये डेजर्ट नहीं है, ये वजह है वाटर की कमी की वजह से। बहुत सी जगहों पे क्या हुआ है कि उन्होंने किसी रेगिस्तानी एरिया में जो कि थोड़ा पॉसिबल था वहाँ पे उन्होंने पानी जमा कर दिया एक बार, तो धीरे धीरे वो जगह जो है फर्टाइल हो गई, ऐसा भी देखा गया। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है कि सॉइल का रीमेडिएशन, सॉइल रिमेडिएशन। तो इस तरीके से हमने इंडिया में भी कई राजस्थान के एरियाज को, कई मध्य प्रदेश के एरियाज को जो कि बंजर हो चुकी थी उनको रिमेडिएट किया है, उनको फर्टाइल सॉइल बनाया। नेक्स्ट है अडाप्टेशन। डेजर्ट में रहने के लिए जो प्लांट और एनिमल हैं उन्होंने ड्राई कंडीशन के अनुसार अपने आप को अडाप्ट किया होगा, तो सारे अडाप्टेशन है क्या ये देखा जाए। तो यहाँ पे जो प्लांट्स हैं वो झाड़ी के रूप में होते हैं, बड़े ट्रीज नहीं होते हैं। श्रब की क्या खास बात होती है, पहले एक ये ट्री है इस पे ढेर सारी पत्तियाँ होती हैं, जितनी ज़्यादा पत्तियाँ होंगी उतना ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन इवेपोरेशन होगा, वाटर का लॉस होगा, तो श्रब जो है वो ज़्यादा अच्छा है, क्यों, क्योंकि उसमें कम पत्तियाँ होती हैं, हाइट कम होती है, वाटर का लॉस कम होता है। लीव्स या तो नहीं होती हैं जैसे कैक्टस, या तो होती हैं तो बहुत छोटे साइज में होती हैं यूफोर्बिया। लीव्स और स्टेम जो होती हैं सक्कुलेंट होती हैं, सक्कुलेंट का मतलब हो गया कि एक तरीके से मांसल होती हैं, जैसे आपने देखा होगा एलोवेरा का पौधा उसकी पत्तियाँ सक्कुलेंट होती हैं, और उन पत्तियों में आपने एलोवेरा में देखा ही होगा कितना पानी होता है, उनमें पानी भी स्टोर होता है। सम प्लांट का स्टेम भी ग्रीन होता है, अधिक वहाँ जैसे आपने कैक्टस देखा होगा उसका स्टेम भी ग्रीन होता है, तो उससे चूंकि पत्तियाँ जो हैं वो फेवरेबल है नहीं, कैक्टस पे पत्तियाँ नहीं होती, आप जो देखते हैं वो स्टेम ही है, जो कैक्टस में उसकी पत्तियाँ कहाँ होती है, जो कांटे होते हैं वो पत्तियाँ होती हैं, पत्तियाँ कांटों का रूप ले लेती हैं, तो
जो स्टेम होती वही ग्रीन हो जाती ताकि फोटोसिंथेसिस कर सके, और यहाँ के जो प्लांट हैं उनका रूट सिस्टम बहुत अच्छे से डेवलप होता है, हमारे यहाँ के प्लांट से भी ज़्यादा। इनके रूट जो होते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टली भी, एक कोई प्लांट है अगर इसकी रूट हॉरिजॉन्टली भी बहुत दूर तक गई रहती है और नीचे वर्टिकली भी बहुत अंदर तक गई रहती है। उससे क्या होता है कि कहीं भी दूर दूर तक का पानी ये खोज सकते हैं। अब एनिमल्स ने क्या अडाप्टेशन किया है यहाँ पर रहने के लिए, एनिमल जो होते हैं फास्ट रनर्स होते हैं, कंगारू, रैट वगैरह, कंगारू वगैरह ये सब बहुत तेज़ी से दौड़ लेते हैं, यहाँ के जानवर बहुत तेज़ी से दौड़ लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर वो तेज़ी से नहीं दौड़ेंगे, स्लो स्लो दौड़ेंगे, तो आप ट्राई कीजिए एक बार गर्म ज़मीन पर खड़े रह के या धीरे धीरे चल के, तो आपको ए डिस्टेंस से बी डिस्टेंस तक जाना है, अगर आप तेज़ी से जाएंगे तो आपका पैर ज़्यादा नहीं जलेगा, लेकिन आप धीरे धीरे जाएंगे तो आपका पैर ज़रूर जलेगा। और अधिकतर एनिमल जो होते हैं रात्रिचर यानी नॉक्टर्नल होते हैं, रात्रिचर होते हैं, रात को टेम्परेचर कम हो जाता है तो वो आसानी से अपना काम जो भी करना होता है, खाना वाना, वो कर सकते हैं। उसके अलावा वो अपने यूरिन को कंसंट्रेटेड कर लेते हैं, उसमें कम से कम वाटर निकालते हैं यूरिन के थ्रू पानी बचाने के लिए। चिड़िया वगैरह जो होती हैं और अन्य एनिमल, उनके पैर काफ़ी लंबे होते हैं, ये अगर उनका बॉडी है, उनके पैर काफ़ी लंबे होते हैं ताकि ज़मीन से दूर ही रहें, यानी कि उनका बॉडी जो है वो गर्म ना हो। उसके अलावा जो लिजर्ड्स होती हैं वो अधिकतर इंसेक्ट खाती हैं और वो बिना पानी के भी बहुत समय तक रह सकती हैं। जो इवन जो एनिमल्स जो हर्बीवोरस होते हैं, घास खाते हैं, वो भी अधिकतर पानी जो है ना, घासेज प्लांट जो भी खाते हैं या सीड वगैरह जो खाते हैं उनसे लेने की कोशिश करते हैं। कैमल बहुत अच्छा एग्जांपल है कि वो कैसे वाटर अपने बॉडी में स्टोर रखता है और बहुत दिन तक वो बिना पानी के ही काम चला सकता है। और रात्रिचर रोडेंट्स जो यहाँ पे पाए जाते हैं, वो तो बिना पानी पिए ही अपनी लगभग पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं। अब बहुत फेमस डेजर्ट है इंडिया में थार डेजर्ट, जो कि एक हॉट डेजर्ट है। ये अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इस डेजर्ट में क्या होता है, अप्रैल टू जून बहुत ज़्यादा हीट पड़ती है, लेकिन नवंबर टू मार्च जो है ना, वो टेम्परेचर का वेरिएशन देखा जाता है, और इवन कई बार तो टेम्परेचर रातों को बिलो फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि जीरो से भी नीचे चला जाता है। यहाँ पे किस टाइप के प्लांट्स पाए जाते हैं देखा जाए, दो तरीके से यहाँ पे प्लांट पाए जा सकते हैं। जब हम हाँ दो तरीके से प्लांट पाए जा सकते हैं, एक तो एफर्नल्स लिखा है, जो कि गलत है एक्चुअली, स्पेलिंग है एफीमेरल्स, ये सही है एफीमेरल्स, और दूसरा है रेन पेरेनियल्स। हम देखते हैं ये दोनों हैं क्या। एफीमेरल क्या होते हैं कि ये इनमें कोई भी जीरोफिटिक यानी कि रेगिस्तान वाला रेगिस्तानी अडाप्टेशन इनमें होता नहीं, ये रेगिस्तान जैसे नहीं होते हैं, तो ये रेगिस्तान में जिंदा कैसे रहते हैं। इनकी स्टेम और रूट भी सिलेंडर होती है, और क्या खास बात है कि इनके जो फ्लावर्स होते हैं काफ़ी लार्ज होते हैं। जब बारिश होती है तो बारिश होते ही ये पौधे उगाते हैं, फिर इनकी फ्लावरिंग हो जाती है, फिर फ्रूट बन जाते हैं, फिर फ्रूट जो है जब बारिश हो जाती है तो फ्रूट पड़ा रहता है और सूख जाता है, और उस फ्रूट से बीज निकल आ जाते हैं, बीज जो है सॉइल में सुसुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं, तो पूरा प्लांट मर जाता है लेकिन आमतौर पर बीज बच जाता है। उसके अलावा जो इसीलिए इनको कहते हैं एफीमेरल यानी शॉर्ट लिव्ड। फिर आते हैं रेन पेरेनियल। रेन पेरेनियल क्या होते हैं, जो रेन के दौरान ही बस जिंदा रहते हैं। इनकी क्या होती है, अंडरग्राउंड रूट जो होती है वो पड़ी रहती है, लेकिन जब भी बारिश आती है तो ये अंडरग्राउंड रूट जो है ना, उससे फर्दर प्लांट ग्रो कर जाता है। ये यहाँ पे खास बात है, इनकी रूट जो है वो सिलेंडर होती है, वुडी टाइप रूट ऑफ एक्सटर्नली लेंथ होती है, और जो भी यहाँ पे जो प्लांट होते हैं उनकी लीव जो होती है उनमें क्या क्या अडाप्टेशन होते हैं ताकि वो पानी को बचा सकें। उनके सरफेस पे थिक हेयरी ग्रोथ होगी, थिक हेयरी ग्रोथ जो है ये भी पानी बचाने का काम करती है। ये सक्कुलेंट्स होंगे यानी कि मांसल होंगे, उनमें अंदर काफ़ी वाटर स्टोर किए रहेंगे, सरफेस पे कोटिंग किए रहेंगे अपने वैक्स की, थिक क्यूटिकल, क्यूटिकल भी वही वैक्सी सब्सटेंस को क्यूटिकल कहते हैं, दो बार लिखा है वही चीज़, ठीक है। प्रोटेक्टेड स्टोमेटा, स्टोमेटा मैंने आपको बताया था, पत्तियों में माइक्रोस्कोपिक छेद होते हैं जिनके थ्रू पानी इवेपोरेट होता है, तो इन स्टोमेटा पे कुछ ऐसे टाइप की स्ट्रक्चर बना देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर का लॉस ना हो। अब नेक्स्ट है एनिमल्स ने क्या यहाँ पे अडाप्टेशन करके रखे हैं, किस टाइप के एनिमल्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नाम की बर्ड पाई जाती है, फिर ब्लैक बक, वाइल्ड एस, चिंकारा, काराकाल, सैंड ग्राउस, डेजर्ट फॉक्स पाए जाते हैं बर्ड्स में, फ्लेमिंगोज पाई जाती हैं और वाइल्ड एस पाए जाते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट एनिमल, ये सारे आपको पता होना चाहिए
किस टाइप के जगह पे पाया जाता है। और इनका जियोग्राफिकल लोकेशन आप देख लीजिए, ग्रेट इंडियन बास्टर्ड का, फ्लेमिंगो का और एशियाटिक वाइल्ड एस का। फिर ये कई टाइप की बर्ड्स, क्रेन एंड फ्लेमिंगोज का माइग्रेटरी फ्लाईवे यानी सी माइग्रेशन के दौरान बीच में आती हैं यहाँ पे और फिर यहाँ से उड़ के कहीं और जाती होंगी। फिर नेक्स्ट आता है कोल्ड डेजर्ट्स। कोल्ड डेजर्ट यानी टेम्परेट डेजर्ट, उसके बहुत बढ़िया एग्जांपल है लद्दाख, DH होना चाहिए, DH नहीं होना चाहिए, लद्दाख, LADAKH, लद्दाख, लद्दाख, लेह और कारगिल ऑफ कश्मीर, फिर स्पीति वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश, फिर सम पार्ट ऑफ नदन उत्तरांचल एंड सिक्किम, उत्तरांचल मतलब उत्तराखंड। ये जगह भी एरिड होती हैं, भले कोल्ड हैं लेकिन एरिड होती हैं। क्यों होती हैं देखते हैं, ये मेनली रेन के शैडो वाले एरिया में पड़ती हैं हिमालयन माउंटेन सिस्टम की वजह से, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड वेदर पाया जाता है। और यहाँ जो सॉइल है डिन्यूडेड यानी कि उसके जो सॉइल की कवरिंग होती है ना, ऑर्गेनिक मैटर वगैरह ये सब एकदम से उड़ चुकी होती है पहले से ही काफ़ी। और बीच में जब भी थोड़ा बहुत बारिश हो जाती है तो 3 से 4 महीने के लिए यहाँ पे काफ़ी घासें पाई जाती हैं, और इन जगहों पे लोग जानवरों को चराते भी हैं। इनका क्या करेक्टरिस्टिक्स है देखें, ड्राई एटमॉस्फेयर है ये, चूँकि ये है एक डेजर्ट तो ड्राई एटमॉस्फेयर ही होगा। टेम्परेचर जो होता है -0 डिग्री भी कभी कभी पहुँच जाता है, इवन -50 डिग्री सेल्सियस भी विंटर्स में पहुँच जाता है। मीन एनुअल रेनफॉल जो है 400 मिलीमीटर से कम की होती है। हैवी स्नोफॉल होती है जो कि नवंबर से मार्च के बीच में स्नोफॉल होती है। सॉइल जो होती है सैंडी टू सैंडी लोम होती है। सॉइल का पीएच या तो न्यूट्रल होता है या स्लाइटली अल्कलाइन होता है। पुअर ऑर्गेनिक मैटर होता है इसमें, अगर सॉइल को फर्टाइल बनाना है तो ऑर्गेनिक मैटर जो है ज़्यादा चाहिए और पीएच जो है वो एसिडिक चाहिए। एसिडिक का मतलब हो गया वो below 7 होना चाहिए, स्लाइटली एसिडिक सॉइल ही फर्टाइल होती है। तो इस तरीके से सॉइल जो है बहुत फर्टाइल नहीं है। लो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है, अगर उसमें ऑर्गेनिक मैटर ही नहीं होगा तो वहाँ पे कैसे वो वाटर रिटेन करेगा उतना। विंड इरोजन भी कॉमन होगा क्योंकि वहाँ पे कोई सरफेस पे मल्च ऑर्गेनिक मैटर है नहीं। फिर नैरो ग्रोविंग पीरियड भी यहाँ पे, जैसे यहाँ पे था 3 से 4 मंथ का होता है समर के दौरान जब हल्का फुल्का बारिश होती है, और यहाँ के जो पौधे होते हैं वो बहुत धीरे धीरे ग्रो करते हैं और स्लंटेड नहीं स्टंटेड होना चाहिए, स्टंटेड यानी कम हाइट के होते हैं पौधे। फिर आता है बायोडाइवर्सिटी, तो खास बात है कि इन जगहों पे थोड़े बहुत ही प्लांट होते हैं लेकिन यहाँ पे कई टाइप के स्पेशलाइज्ड एनिमल्स प्लांट्स यहाँ पे पाए जाते हैं, जिनमें से एनिमल्स में है एशियाटिक आइबेक्स, तिब्बतन अर्गाली, लद्दाख उरियाल, ये एक टाइप के ये सब ये गोट और क्या बोलते हैं गोट वगैरह हैं, भरल अब तिब्बतन एंटीलोप ये सब जो हिरन टाइप के एनिमल्स यहाँ से भरल से स्टार्ट हो जा रहे हैं, तिब्बतन गजील, वाइल्ड याक, स्नो लेपर्ड, स्नो बियर, तिब्बतन वुल्फ, वाइल्ड डॉग, तिब्बतन वाइल्ड एस जिसको कियांग भी कहते हैं जो कि इंडियन वाइल्ड एस का क्लोज रिलेटिव है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वूली हेयर, ब्लैक नेक्ड क्रेन, ये सब यहाँ पाई जाती हैं। क्लोर जो ये डेजर्ट हैं इनमें अल्पाइन मीजोफाइट एंड डेजर्ट वेजिटेशन पाई जाती है। अल्पाइन का मतलब आपको पता ही है जो एकदम से एक्सट्रीम माउंटेन वाली कंडीशन में, और मीजोफाइट का मतलब होता है वो प्लांट जो कि कम पानी में सर्वाइव करते हैं। मीजोफाइट मतलब लेस वाटर, मीजो का मतलब उनको लेस वाटर चाहिए, और जीरो फाइट का मतलब और भी कम लेसर, तो मीजोफाइट जो है वो थोड़ा बहुत डेजर्ट कंडीशन में हो सकते हैं, और जीरो फाइट एकदम से डेजर्ट कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। तो यानी मीजोफाइट और जीरो फाइट दोनों यहाँ पे पाई जाती हैं। यहाँ का टेम्परेचर जो होता है वो ड्राई टेम्परेचर जोन होता है, वहाँ पे पाए जाते हैं बेटुला, सेलिंग्स और जूनिपर्स, ये जो हैं प्लांट्स हैं। और अल्पाइन जोन जो है एच नहीं होगा उसमें जूनिपर्स, बर्च, रोडोडेंड्रॉन घासों के साथ पाए जाते हैं। परपीचुअल स्नो जोन जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो पाई जाती है, वहाँ पे बहुत कोई वेजिटेशन पाई ही नहीं जाती क्योंकि सॉइल हमेशा जमी हुई रहती है, और कभी कभी थोड़ा कम बर्फीली जगहों पे ओक, पाइन, देवदार, बर्च, रोडोडेंड्रॉन पाए जाते हैं। अब आता है डेजर्टिफिकेशन, यानी कि नॉर्मल लैंड जो भी होता है वो कैसे कन्वर्ट होता है डेजर्ट में। हमारे कंट्री के बहुत से जगह हैं जो राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा में हैं, उनमें डेजर्टेशन प्रोसेस काफ़ी चल रहा है, और ये बहुत बड़ी समस्या है इंडिया में डेजर्टिफिकेशन। हम वर्ल्ड में बहुत से रीजन हैं जो कि डेजर्ट में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, और इंडिया में काफ़ी बड़ा एरिया है जो कि डेजर्ट में कन्वर्ट होता जा रहा है। काजेज़ क्या है, पॉपुलेशन प्रेशर, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे हम
डिफरेंट टाइप के इंडस्ट्रीज वगैरह को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, एफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, सॉरी डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से सॉइल जो है फर्टाइल नहीं रह जा रही है, वो क्या हो जा रही है फिर डिजर्ट में कन्वर्ट होती जा रही है। कैटल पॉपुलेशन की वजह से ओवर ग्रेजिंग हो रही है, जिससे भी हो जाता है ये डिजर्टिफिकेशन। जब हम एग्रीकल्चर ज़्यादा करते हैं तो सॉइल की उर्वरा शक्ति समय के साथ ऑर्गेनिक कंटेंट वगैरह ख़त्म होती जाती है, वो भी डिजर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अन्य टाइप की डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए भी हम क्या करते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं, जिससे डिजर्टिफिकेशन हो जाता है। अब आता है इंडिया में क्या हालत है डिजर्टिफिकेशन के, इंडिया में क्या हालत है डिजर्टिफिकेशन की, ये देखा जाए तो ड्राई लैंड इंडिया में 2007 में ड्राई लैंड जो था वो 69.6% था, उनमें से करीब करीब कंट्री में 32% जो है वो जो है डिजर्ट बनने के कगार पे है, यानी कि टोटल करीब 70% जो है वो ड्राई लैंड है, लेकिन करीब 32% टोटल एरिया का वो बनने जा रहा है डिजर्ट फ्यूचर में। अब कंट्रोल कैसे किया जाए, डिजर्ट बनने से क्या रोका जाए, तो एक इंटरनेशनल यूएन का एक प्रोग्राम है, यूएनसीसीडी, यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, ये इंडिया ने साइन कर रखा है, ये साइन कर रखा है, इसके डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को इंडिया इंप्लीमेंट करता है। तो इंडिया ने क्या क्या खुद से इंप्लीमेंट किया, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, नेशनल एफोरेस्टेशन प्रोग्राम, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, महात्मा गांधी नरेगा, सॉइल कंजर्वेशन इन कैचमेंट रिवर वैली प्रोजेक्ट एंड फ्लड प्रोन एरिया, नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर रेनफेड एरिया, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, फॉर्डर एंड फीड डेवलपमेंट स्कीम, कंपोनेंट ऑफ ग्रास लैंड डेवलपमेंट इंक्लूडिंग ग्रास रिजर्व वगैरह वगैरह। इसके अलावा जो भी आजकल से, ये तो पुराना डेटा हो गया, अब जो हमारा क्लीन गंगा प्रोग्राम, ये सब भी तो कहीं ना कहीं वाटर बॉडीज़ को कंजर्व करने काम करती हैं, तो क्लीन गंगा मिशन वगैरह भी डिजर्टिफिकेशन रोकने में डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपना काम कर रही हैं। अब देखें एफॉरेस्टेशन, इसका मतलब होता है वृक्षारोपण। वृक्षारोपण की ज़रूरत क्यों हुई है, देख राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब और ट्रांस हिमालयन रीजन में काफ़ी कॉमन है, पीपल फायरवुड टिम्बर फॉर्डर इन सब के लिए काटते हैं, जिसकी वजह से इरोजन हो रहा है सॉइल का और वो डिजर्ट में कन्वर्ट हो रही हैं। तो इंडिया में हमारे जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है वो 2 साल में एक बार 1987 से ही इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट लॉन्च कर रहा है। 2017 वाली जो है अभी तक लेटेस्ट 2019 में आनी चाहिए क्योंकि बाई एनियल है, लेकिन क्या भरोसा, तो अभी 2017 वाली ही अभी तक की लेटेस्ट है। तो इसके अनुसार ये कैसे प्राप्त हुई, पहले ये बताना चाहिए कैसे ये प्राप्त की जाती है, तो रिसोर्स सेट, जो रिसोर्स सेट सेटेलाइट है, सेकेंड सेटेलाइट रिसोर्स सेट सेकेंड, इसमें एक तरीके से सेंसर कैमरा विजुअल सेंसर है जो डिफरेंट टाइप के वेवलेंथ पे फोटो खींच सकता है, लिस थर्ड, इस सेंसर के थ्रू डेटा लिया जाता है, और इससे हमें पता चला है हमारे कंट्री का करीब 24% जो है वो फॉरेस्ट है। उसके बाद 2015 की तुलना में 1% फॉरेस्ट कवर बढ़ चुका है, और डेंस फॉरेस्ट जो है, वेरी डेंस फॉरेस्ट VDF, ये करीब करीब 1.36% बढ़ चुका है, और वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है। इसके बाद कौन एब्जॉर्ब करता है, इसके बाद ओशियन से एब्जॉर्ब करते हैं वेरी डेंस फॉरेस्ट के बाद। मध्य प्रदेश जो है लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है कंट्री में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये क्रम पूछा जा सकता है सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ है, MP, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, ये क्रम याद रहे। फिर मिजोरम जो है उसमें हाईएस्ट परसेंट है, मतलब उसमें मिजोरम का जितना भी लैंड है उसका 88.93% जो है वो फॉरेस्ट है, फॉलोड बाई लक्षद्वीप जिसमें 84.56 है, ये क्रम भी याद रखना चाहिए, मिजोरम के बाद लक्षद्वीप। फिर 7 स्टेट या यूनियन टेरिटरीज जो हमारे इंडिया में हैं वो उनमें 75% या उससे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है। ओके, ये सारे नाम हैं, आप ये नाम देख लीजिए कुछ कुछ के, और कोई ट्रिक बना के इसको याद कर लीजिए। और 8 स्टेट ऐसे हैं जिनमें 33% से लेके 75% तक फॉरेस्ट है, ये सारे उनके नाम हैं, इनको भी आप ट्रिक बना के याद कर सकते हैं कोई, ठीक है। इंडिया वर्ल्ड में 10th हाईएस्ट फॉरेस्ट रखती है, इंडिया में 24.39% जो लैंड है वो फॉरेस्ट है, और ये वर्ल्ड में 10th पोजीशन पे है। फाओ की रिपोर्ट के अनुसार जो इंडिया है वो उसको उसने 8वें पोजीशन पे रखा है फॉरेस्ट कवर के नाम में। ओके, फाओ मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन।
अब हम इस बुक में इस रिपोर्ट के बारे में दिया हुआ है और ये चैप्टर यहीं ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये रिपोर्ट जो है जिन्होंने पूरी दी नहीं हुई है, रिपोर्ट में अन इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी हैं जो कि दी हुई हैं, तो मैं उसको आपको ओरिजिनल आर्टिकल है गवर्नमेंट का उसके थ्रू मैं आपको दिखाता हूँ। ये सारी चीज़ें जो हैं वो तो बता चुके हैं, लेकिन टॉप 5 स्टेट जहाँ पे मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर बढ़ा है, हमने देखा था कि करीब फॉरेस्ट कवर 1% बढ़ गया है, तो किन किन स्टेट ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया। सबसे पहले है आंध्र प्रदेश, इसको भी आप ट्रिक बना के याद कर लीजिए, आंध्र प्रदेश, उसके बाद कर्नाटक, फिर केरल, फिर उड़ीसा, फिर तेलंगाना। फिर टॉप 5 फॉरेस्ट जहाँ पे फॉरेस्ट कवर कम हो गया है वो है मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, जबकि नॉर्थ ईस्ट रीजन में तो अधिकतर जगहों पे 70% से ज़्यादा ही फॉरेस्ट है, लेकिन इन जगहों पे फॉरेस्ट कवर कम हुआ है, तब भी इन जगहों में से अधिकतर जगहों पे तो 75% से ज़्यादा तब भी फॉरेस्ट है, लेकिन तब भी यहाँ पे कम हुआ है। और हमारे कंट्री में फॉरेस्ट में जो फॉरेस्ट हैं उन फॉरेस्ट में कुछ वाटर बॉडीज़ पाई जाती होंगी, तो अधिकतर जगह हमारे कंट्रीज़ में जहाँ वाटर बॉडीज़ पाई जाती हैं फॉरेस्ट में, उनका एरिया बढ़ा है। सबसे ज़्यादा कहाँ बढ़ा है? सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में बढ़ा है, उसके बाद गुजरात में, फिर मध्य प्रदेश में, ओके। और यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि लगभग सारी जगह पे ही वाटर बॉडी जो कि फॉरेस्ट पाई जाती हैं उनका अमाउंट बढ़ा है। फिर मैनग्रोव कवर की भी बात की जाती है इस रिपोर्ट में, मैनग्रोव कवर हमारे कंट्री में ओवरऑल बढ़ा है, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में, फिर आंध्र प्रदेश में, फिर गुजरात में। 7 out of 12 मैनग्रोव स्टेट हैव शोन एन इंक्रीज इन मैनग्रोव कवर एंड नन ऑफ देम सो एनी नेगेटिव चेंज। यानी कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि क्या साल दर साल हमारे 2015 से 17 के बीच में हमारे यहाँ मैनग्रोव कवर घटा है, तो नहीं, नहीं घटा। या आ जाए कुछ जगहों पे बढ़ा है, कुछ जगह घटा है, नहीं, हर जगह या तो बढ़ा है या तो वैसा ही रहा है, कहीं भी घटा नहीं है। तो इस तरीके से मैंने रिपोर्ट कम्प्लीट कर दी। इस तो ये चैप्टर 3rd यहाँ पर कम्प्लीट हो जाता है। तो आपने डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल देखे, वहाँ पर डिफरेंट टाइप के ग्रास लैंड वगैरह भी आपने देखे, डिफरेंट टाइप के डिजर्ट्स भी आपने देखे, डिफरेंट एग्जाम्पल देखे, कुछ कुछ स्पीसीज आज इंपॉर्टेंट थे। फिर ये रिपोर्ट जो अंत में है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, UNCCD जो फ्रेमवर्क है वो आगे हम अन्य चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उस पर भी काफ़ी सवाल आते हैं। तो इस चैप्टर में इतना ही है, थैंक यू।